हम लोग बिल्कुल भी 134 के गरीब बच्चों के एडमिशन के खिलाफ नहीं है एक चीज मैं चैलेंज से कह सकता हूँ जो हंड्रेड परसेंट बच्चा रहे, उसमें 70 फेक हो रहे है उसमें सेवेंटी परसेंट हैं जो हम लोगों को पैसा दिया जाना था वो वन थर्टी फोर ए में आर टी ई के अगेस्ट जो एक खर्चा बच्चे पे आता है जैसे दिल्ली गवर्नमेंट देती है वो पैसा दिया जाना था अब सरकार की नीयत में खोट है सरकार उसको न जाके तीन चार सौ पांच सौ रुपए दे रही है तो वो पैसा भी प्रॉपर नहीं दिया जा रहा है लेकिन अभी इस बार एक और नवा पतवा जारी कर दिया कि अगर टेगोर स्कूल का बच्चा है किसी दूसरे स्कूल का बच्चा प्रताप का है मोहन फोर्ट का है दयाल सिंह का है जिस स्कूल का बच्चा है उसी स्कूल में

वो भी इसलिए क्योंकि सी के जो तमाम स्कूल हैं करनाल के अंदर उनमें एक मीटिंग की जाती है और ये डिसीजन लिया जाता है कि जब तक सरकार सारे ड्यूज क्लियर नहीं करती है और बच्चों की एंट्री नहीं होती है जहां पर पूरा एक माध्यम बना होता है सरकार का कि इस इस बच्चे को एक ए के तहत पढ़ाया गया है तब तक वो किसी भी बच्चे का एडमिशन नहीं लेंगे हमारे साथ राजन लामा जी मौजूद हैं जो टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं और साथ ही साथ प्रेसिडेंट हैं जो करनाल में तमाम सीबीएसई स्कूल हैं उनके उनसे जानते हैं मुद्दा इतना गरमाया क्यों हुआ है राजन जी ये तो जिम्मेदारी है तमाम स्कूलों की एक सौ ए के तहत बच्चों को पढ़ाना है 10 परसेंट वहां पर जो हुड्डा के अंडर में नहीं आते और 20 परसेंट वहां पर जो हुड्डा के अंडर आते हैं तो फिर इससे बचते क्यों नजर आ रहे हैं आप देखिए पहली बात तो मैं क्लियर कर दू कोई बचते नजर नहीं आ रहे हैं और कोई बचना नहीं चाह रहा है हम लोग बिल्कुल भी वन के गरीब बच्चों के एडमिशन के खिलाफ नहीं है एक चीज मैं चैलेंज से कह सकता हूँ जो हंड्रेड परसेंट बच्चा उसमें सेवेंटी परसेंट फेक सर्टिफिकेट हो रहे हैं में हम लोगों ने ऐसे लेकिन वो एक लड़ाई झगड़े का कारण हो जाता है हम चाहते भी नहीं है उस जमेले में पढ़ना चलो जो सरकार ने सर्टिफिकेट इशू किया है एक एफिडेविट बनवाते हैं उसमें कानून को रिपोर्ट करता है तहसीलदार लिखता है ये दो लाख से नीचे की इनकम का है ना उसका कोई ए, कोई वेरीफिकेशन होता है और उसको तहसील से दो लाख रुपये का सर्टिफिकेट इशू हो जाता है वो लोग इसमें आ जाते हैं मुद्दा शुरू होता है चौदह सात साल पहले जब ये स्टार्ट हुआ था तो उस समय सरकार ने एक लेटर जारी किया था कि जो भी गरीब बच्चे उनको दाखिला दिया जाए हमारे जैसे जो सिंसियर लोग हैं हम लोगों ने उन बच्चों को दाखिला दे दिया उसके बाद सरकार का डिसीजन वापस होता है सरकार कहती है कि उन बच्चों को अलॉटमेंट हम करेंगे अब उस टाइम जो बच्चे हम डायरेक्ट ले चुके हैं सब स्कूल वाले आज तक उन बच्चों को उस लिस्ट में नहीं लिया गया वो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं फ्री पढ़ रहे हैं और सरकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं क्योंकि वो उन्होंने अलॉटमेंट नहीं की अब सरकार की सरकार है सरकार ने जो कह दिया लिस्ट है जिस पर ये चढ़ते हैं कि वो वो वन वा, वा, थर्टी फोर की लिस्ट है जब से इन्होंने पेपर स्टार्ट किया लेना जो ये अलॉट करते हैं भाई ये बच्चा टगोर में जाएगा उसमें जाएगा उसमें जाएगा वो अब वो लिस्ट है लेकिन जो लिस्ट इनकी लिस्ट से पहले इनकी परमिशन से दाखिल हुए आज तक सात साल से उन बच्चों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है दूसरा जो हम लोगों को पैसा दिया जाना था वो वन थर्टी फोर में आर टी ई के अगेंस्ट जो एक खर्चा बच्चे पे आता है जैसे दिल्ली गवर्नमेंट देती है वो पैसा दिया जाना था अब सरकार की नीयत में खोट है सरकार उसको न जाके तीन चार सौ पाँच सौ रुपये दे रही है तो वो पैसा भी प्रॉपर नहीं दिया जा रहा है तकरीबन तो कितना होता है आर वो तो मैं जो भी मुझे अभी इतना डाटा नहीं मैं कोई ऐसे गलत डाटा नहीं दूंगा हुँ, हुँ, लेकिन मेरा सीधा है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है और

चलो छोड़िए इकतीस तीन एक चार इक्कीस से हरियाणा सरकार के करनाल जिले में आर्ट स्कूल सीबीएसई से फिलेट हो चुके हैं मैं कह रहा हूं जो सरकारी स्कूल सरकारी स्कूल, स्कूल है, है सीबीएसई के हुँ, हुँ, हो चुके हैं मैं कह रहा हूं मुझे नहीं पता वहां पे क्या फीस है चाहे वहां पे पांच सौ रुपए फीस है चाहे वहां पे हजार रुपए फीस है मुझे जो आर्ट जो मेरे बच्चे हैं वन थर्टी फोर के हम लोगों को कह दो जो उस स्कूल में फीस है वो आप ले लो जो सरकारी स्कूल है जो सीबीएसई के अंडर आ चुके हैं है। उनमें जो फीस लग रही है वो आपको वो हमें कैसे ले लो हमें कोई चाहे वो पांच सौ रुपए है चाहे वो चार सौ रुपए है लेकिन वहाँ पे भी अग्री नहीं हो रहे हैं उसके अलावा हरियाणा सरकार के नॉम्स के हिसाब से आज से पहले जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में 134 का एडमिशन नहीं होता था hmm. वो बच्चा किसी दूसरे स्कूल के लिए अप्लाई करता था लेकिन अभी इस बार एक और नवा पतवा जारी कर दिया कि अगर टेगोर स्कूल का बच्चा है किसी दूसरे स्कूल का बच्चा प्रताप का है मोहन फोर्ट का है डयाल सिंह का है जिस स्कूल का बच्चा है उसी स्कूल में वन में भी रह सकता है अब एक बच्चा तीस नवंबर तक तो स्कूल की तीन हज़ार फीस पे कर रहा है उसके दो भाई बहन पढ़ रहे हैं छः हज़ार रुपये फीस पे कर रहे हैं बारह छः अड़तालीस अड़तालीस मल्टीप्लाई बाई टू वो गरीब है नहीं है और वो वन थर्टी फोर में अब गरीब आ गया वो घर का खाना भी खाता होगा आपको मैं चैलेंज करता हूँ सत्तर से अस्सी परसेंट लोग दस से पंद्रह पंद्रह बीस बीस लाख रुपये की गाड़ी वाले हैं ये आप लोगों ने मीडिया ने भी दिखाया जब 134 के एडमिशन टेस्ट के लिए गए तो कितनी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में रखे हुए थे इसमें ये सरकारी दफ्तर मिले हुए हैं जानकार रिश्तेदारों के बच्चे फंसता तो फंसता तो गरीब का ही बच्चा है मैं, गरीब का नहीं फंस रहा है गरीब का, तो गरीब का बच्चा तो जाता ही नहीं वहां तक गरीब का बच्चा तो आप मेरे रिकॉर्ड स्कूल के बैठी मैं दिखाता हूँ एक करोड़ रुपया एनुअल फी कंसेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है स्कूल को बच्चों को गरीब बच्चों को मेरे पास रिक्शा वाले के बच्चे बिना वन थर्टी फोर के फ्री पढ़ रहे हैं और मैं नहीं मेरे सारे वन थर्टी टू स्कूल गरीब बच्चों के लिए कोई मनाही नहीं है मनाही तो सिर्फ ये जो दो नंबर के रास्ते से वन थर्टी गरीब बने हुए हैं उसका भी हम अगेंस्ट नहीं है भाई चलो सरकार की प्रक्रिया उसको अडोप्ट करने के लिए तैयार है लेकिन उस सरकारी की प्रक्रिया को सरकार की पारदर्शिता तो हो अब आपने क्या डिसीजन लिया और कब तक का हमारा डिसीजन है कि ये जो बच्चे एक तो एक चार बाईस से दिए जाएं क्योंकि ये टाइम ही नहीं है हाँ ये ये भी मैं जानना चाहता हूँ जो सेशन शुरू होता है वो तो मार्च अप्रैल का पहले इनका था कि नहीं लेंगे बाद नहीं में देंगे अब एकदम से कोई एक स्टे भी हो रहा है फरवरी तक का नहीं। मैं देखने के, के लिए है फरीदाबाद के लिए ये सरकार उसको मान रही है नहीं मान रही है पेपर इतनी लेट क्यों रही है पता नहीं इनका पहले इन्होंने मना कर दिया पहले इन्होंने लेटर जारी किया कि इस बार वन का कोई भी पब्लिक स्कूलों को बच्चा नहीं दिया जाएगा आपके स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे एक फिर इनका

अप्रैल से वो लोग पैसा पे करना नहीं चाहते वो अब मान लो टगोर का बच्चा टगोर में पढ़ेगा अगर वो 134 का बच्चा है वो तो पैसे नहीं देगा मैं नहीं देता मोनफोर्ड का बच्चा मैं तो नहीं देता अब वो बच्चा अगर टैगोर से दूसरे स्कूल में भी जा रहा है तो उसको जिस दिन का एस एल सी लेगा पैसा तो ड्यूज क्लियर करके जाएगा अब वो मांगे तो हरासमेंट होगी वो उस चाइल्ड उसके खिलाफ हो गया तो कहीं ना कहीं तो मतलब कोई से, पहली बात तो जब अगर ये पारदर्शिता थी जब ये एग्जाम हुआ था ब्लॉक लेवल की कमेटी के अंदर पब्लिक स्कूल का जो नुमाइंदा हर साल होता था इस बार क्यों नहीं हुआ किसी भी स्कूल का नहीं सी बी एस सी की जो एक रिप्रेजेंटेटिव होता था उस कमेटी के अंदर इस बार हमें नहीं पता वो कमेटी कागजों में कहाँ बनी किसके साइन हुए मेरा सीधा सा क्वेश्चन है उस पर क्लियरेंस दे दें कि वो कमेटी किसकी अध्यक्षता में बनी हुई है झोलमोल तो पेरेंट्स से लेकर सम... सारा गल्लू गारा मचा रखा है और कोई क्लियरिटी नहीं है जिसका परिणाम है कि हम लोगों को कल मजबूरन हम नहीं चाहते कि बच्चों को मना किया जाए हम नहीं चाहते कि बच्चों को नुकसान हो लेकिन हम अब ये बताइए अब नौवीं का बच्चा लिस्ट में डाल दिया मैं क्लियर और कर दूं आपको टेक्निकली नहीं पता है सी बी एस ई बायोलॉज के हिसाब से जो बच्चा हमारे पास आ चुका है हम लोगों को नौवीं और ग्यारहवीं की उन्हीं की इनरोलमेंट करनी है उसकी एक लंबी प्रक्रिया है तो अगर उन बच्चे को आजाद दाखिल नौवीं में करते हैं हमें बोर्ड को लिखना है वहाँ से लाइन प्रोवाइड करानी है तो कोई आफत आई हुई है चार दिन बाद एक अप्रैल आने वाला तीन महीने बाद नए सेशन में दे दे, दे बच्चों को ये बच्चे पढ़ ही तो रहे हैं और हम लोग एक और नया मुद्दा आया कि कुछ लोग एस ले चुके हैं मैं 132 सौ बत्तीस स्कूलों के तरफ से बिना पूछे विश्वास दिलाता हूँ कि अगर कोई बच्चा टीसी ले चुका हो दोबारा स्कूल में जाए वो स्कूल उसको इकती मार्च तक पढ़ाने के लिए तैयार है अगर एस एल सी दी है हम उसको कैंसिल करके अपने रिकॉर्ड में दोबारा डालने के लिए तैयार है मैं बिना पूछे ही कह रहा हूँ तो बिलाल तो हम... डिसीजन क्या है फिलहाल डिसीजन है जब तक सरकार इस पे पूरी कमेटी नहीं बताएगी ये डिसीजन किसने लिया है कौन से बच्चे किस स्कूल को कैसे अलोड करने हैं कैसे किए गए हैं जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो हम लोग तब तक एडमिशन नहीं करेंगे और जो बच्चे पढ़ रहे थे वो उसी उसी हिसाब से रहे जब तक पढ़ रहे हैं, हम लोग हम लोग नहीं उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि जब तक डिसीजन नहीं होता है आज तक का जो फीस है वो पे कर दे तब तक हम हम उनसे फीस भी होल्ड कर रहे हैं कि चलो भाई डिसीजन हो जाएगा अगर ऐसा कुछ लिया भी जाता है तो मैं मैं कमिटमेंट करता हूँ कि अगर किसी की फीस ली जाती है और बच्चा कहीं जा रहा है मैं रिफंडल करनाल करनाल का डिसीजन है पूरे सारे सर हमारे दूसरी एसोसिएशन ने भी फरीदाबाद ने रेवाड़ी ने पानीपत ने जींद ने जब सब डिस्ट्रिक्ट से आया तो हम लोगों ने भी डिसीजन लिया सब लोगों ने हमको प्रेशर बनाया कि आप लोग भी वही करें जो हम कर रहे हैं तो हम लोगों ने उनके साथ चल के ये चीज़ की है तो आपको लगता है कोई समाधान हो पाएगा मेरे ख्याल से होना चाहिए अगर सरकार वाक्य में चाह रही है कि ये बच्चे पढ़े और हम चाह रहे हैं पढ़ाना चाह रहे हैं तो सरकार को इस पर निर्णय लेना पड़ेगा और हम लोग उसके लिए तैयार है ये आ... राजन लांबा जी हैं और जिन्होंने जानकारी दी है एक ए के तहत जो इस समय विवाद मचल रहा है एक पूरा विवाद गरमाया हुआ है कि बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे हैं ये कह रहे हैं कि हम एडमिशन देने को तैयार हैं लेकिन सरकार वो सारे ड्यूज पूरे करे जो पिछले अभी तक बाकी हैं साथ ही साथ बच्चों को लिस्टेड भी किया जाए जो सात साल पहले जब सरकार कह रही थी कि इन इन बच्चों को दाखिल किया जाए उनको अभी तक लिस्टेड नहीं किया गया है उधर पेरेंट्स हंगामा कर रहे हैं इधर डिसीजन ले लिया गया है कि वो एक ए के तहत किसी भी बच्चे का एडमिशन नहीं लेंगे इसमें पस्ता जो है वो गरीब का बच्चा है लेकिन धांधलेबाजी भी हो रही है अधिकारियों की तरफ से और साथ ही साथ सरकार के कुछ नुमाइंदे भी शायद मिले हो सकते हैं जो पेपर होता है जो सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं ऐसे आरोप इनकी तरफ से भी लगाए गए हैं क्या ये मसला हल हो पाएगा क्या 134 एक ए के तहत गरीब बच्चों का एडमिशन स्कूल में हो पाएगा क्योंकि गरीब बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं इसलिए एडमिशन नहीं हो पाता है इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ नमस्कार